गाइस अभी बज रहे हैं 6, मतलब बाप रे इतना टाइम हो गया, 6 बजे हैं अभी। मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आई थी, वैसे 5 बजे वगैरह हम लोग चाय पी लेते हैं, बट आज बहुत लेट हो गया यार। यहाँ पर अदरक पहले बॉईल कर लिया एक्चुअली ना, पता नहीं यार अदरक डालती हूँ, इतना डालती हूँ फिर भी वो मतलब उसमें जो क्या बोलते तीखापन होता है ना वो लगता ही नहीं है, इसी वजह से मैंने क्या किया आज थोड़ा सा पहले पानी डाला और उसमें पहले अदरक डाला और अदरक बॉईल कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पाउडर डालूंगी और उसके बाद चीनी डालूंगी। अब पता चलेगा कि तीखापन आएगा या नहीं आएगा, तो अभी ये ट्रिक आजमा के देखती हूँ, अच्छा लगे तो फिर ऐसे ही बनाया करूँगी चाय। चलिए अभी चाय बना लेती हूँ और हम मम्मी के लिए कॉफ़ी बनानी पड़ेगी, तो क्योंकि मम्मी चाय नहीं पीती इसी वजह से मम्मी के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, मतलब मेरी सासू माँ के लिए, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसी वजह से बता रही हूँ, तो उनके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ और अपने लिए ये चाय बना लेती हूँ मेरे लिए और माही के लिए। हाँ बहुत लोग बोल रहे थे कि माही को चाय मत दिया करो, तो वो एक ही टाइम मतलब कभी पी लेती है, वैसे सुबह दूध पीती है और रात को सोने के टाइम दूध पीती है, तो दूध ही पीती है वो, और बीच में ऐसे कभी मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, खुद के लिए तो मुझे कोई पार्टनर चाहिए होता है, इसी वजह से माई को भी दे देती हूँ, तो ऐसे हम लोग चाय पी लेते हैं कभी कभी, मतलब कभी मैं तो हमेशा ही पीती हूँ लेकिन माही कभी कभी पी लेती है। अरे अरे बस रे अद्विक, अरे कितने कितने स्लीव्स ऊपर करेगा, स्लीवलेस ही पहनाना पड़ेगा अब तो। अद्विक स्लीवलेस पहना दूं क्या? ठीक है वो, हाँ एक भी अद्विक ने अभी तक एक भी नहीं मारा, क्या अच्छा लगा? Thank you.
डोक्से में क्या क्या डोक्से पे लगेगा ये भगवान आता किती मोठा झाला आद्विक तू अरे बाप रे त्याला सर्व समजते आई त्याला हा विचार नका करू काही समजत नाही लहान दिसतो तो सर्व समजते त्याला और हाँ आज डीमार्ट गई थी तो वो डीमार्ट से जो शॉपिंग की है वो दिखाती हूँ आपको ऐसा करूँ क्या पूरा शॉपिंग हॉल ही कर देती हूँ मैं पूरी शॉपिंग दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या लिया है मैंने अभी बैक कैमरा से आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ ऊपर से झलक और पूरी शॉपिंग ही दिखा देती हूँ क्या क्या लिया है क्योंकि आप लोग ही बोलते हो फिर बाद में कि यदि पूरा दिखाना चाहिए था पूरा दिखाना चाहिए था डिटेल में ये देखो ये पूरी बैग भर गई है एक्चुअली सुबह गई थी ना तो बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं कर पाई मतलब वहाँ पर एक्चुअली नहाने से पहले गई थी मैं वहाँ पे और जल्दी जल्दी से सामान लिया सारा और उसके बाद ये देखो उसके बाद ना हम लोग जल्दी से चले आए फिर उसके बाद मैंने नहा लिया और फिर मैं भूल गई आपको बताना कि मैं डीमार्ट गई थी करके तो ये सारी चीज़ें लाई है तो जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ इतना सारा सामान ले लिया है आज और इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे यार क्या बताऊं आपको मतलब जल्दी जल्दी से हमें लेना पड़ा बहुत लंबी लाइन लग जाती है अभी कोरोना का टाइम है मतलब बाहर जाने में भी डर लगता है इसी वजह से मैं नहाने से पहले गई थी और ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं की हमें क्या था कि जल्दी जल्दी जाना था और जल्दी से आना था इसी वजह से शूट नहीं किया वहां पर और जल्दी से वहां पर गई हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा और जल्दी से हम लोग लेके चले आए तो ये सारा सामान लाया और कुछ पिछले महीने का भी था मतलब पिछले महीने का नहीं दो महीने पहले हम लोगों ने 13,000 की शॉपिंग की थी 31st के टाइम भाभी के साथ शॉपिंग करने गई थी आप लोगों ने अगर वो ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा 13,000 की उस टाइम शॉपिंग हो गई थी इतनी सारी शॉपिंग कर ली थी तो क्या हुआ था कि उसमें ही काफी सारा सामान हम लोगों ने ला लिया था तो उसमें से ही कुछ बचा था क्योंकि हम पिछले मंथ में बहुत कम थे ना घर में तो इसी वजह से ज्यादा सामान यूज नहीं हुआ है जो भी खत्म हो गया था वो लेके आए हम लोग तो इसी वजह से जो जो है अभी लाया है तो वो आपको दिखा देती हूँ सबसे पहला है ये मतलब क्या बोलते हैं डेट्स जो गीले वाले नहीं होते हैं वो इसे खजूर बोलते हैं ना तो वो है खजूर का एक पैकेट लाया है फिर लाया है ये किसान का टोमेटो सॉस मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ आपको फिर उसके बाद लाई है दो इलायची के पैकेट्स तो इलायचियाँ बहुत ज्यादा लगती है चाय में डालने के लिए लगी जाती है इस वजह से और फिर ये सांभर मसाला लाया है एवरेस्ट का क्योंकि मुझे एवरेस्ट के मसाले बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो इसी वजह से मैं एवरेस्ट के ही मसाले यूज करती हूँ ज्यादातर तो ये लाया है उसके बाद ये हाफ के जी की सौंफ लाई है उसके बाद ये लूज वाला बेसन लाया है उसके बाद क्या लाया है ये नमक के दो पैकेट हैं आपको पिछले बार भी मैंने बोला था कि ये सब्जी में डालने के लिए मैं ये वाला नमक यूज करती हूँ गायछा आपको बताया था कि सस्ता है इसी वजह से तो अभी गायछा बहुत अच्छा आ रहा है तो इसी वजह से ये अच्छा लग रहा है मुझे और मतलब पहले जैसा नहीं है पहले थोड़ा सा अजीब आता था वो थोड़े से गोले गोले लगते थे उसमें अभी जैसे टाटा का नमक है वैसे ही ये गायछा नमक आ रहा है मतलब वाइट भी बहुत है और क्या बोलते हैं तो एकदम ऐसे दाने दाने टाइप में तो वो भी है फिर लाई है ये लूज चीनी ये 5 kg लाई है शायद 5 kg मतलब ये जो सामान हुआ है ना हमारा ये हुआ है 5076 rupees का तो इतना ये सामान हुआ है और इसमें ना आशीर्वाद का 10 kg का आटा भी है और 24 carat का ऑयल का टीन भी है 15 kg का तो वो भी है और ये है चीनी फिर उसके बाद ये बासमती राइस है ये बासमती राइस है 2.5 kg तो उसके बाद ये है सूजी बारीक वाली रवा बोलते हैं हमारे साइड में और उसके बाद ये है एक्सप्रेस नूडल्स है मजेदार मसाला ये नया आया था इसी वजह से ये दो पैकेट ले लिए उसके बाद ये
टॉप रेमन ले लिए 2 पैकेट, और उसके बाद ये पोहा ले लिया 2 पैकेट। ये स्वस्तिक का पोहा है, ये हमें बहुत ज्यादा पसंद है स्वस्तिक का पोहा, मतलब हम लोग स्वस्तिक के पोहे बगैर दूसरा पोहा खाते नहीं है, इसी वजह से यही पोहा हम लोग लेके आते हैं हमेशा। और फिर उसके बाद ये रेड वाले मूंगफली ली है, और फिर ली है मसूर की दाल, जो कि है मसूर की दाल है 1.5 kg, और ये जो मूंगफली है वो कितना है, ये 2 kg से ज्यादा है। और उसके बाद ये 2 पैकेट लेके आए हैं ब्रिटानिया मारी गोल्ड के, तो ये अभी खुला था इसमें से। और उसके बाद ये वाला जो चावल है वो कौन सा है, ये काली मूंछ वगैरह होगा, तो ये है। तो इतनी शॉपिंग हुई है, और उसमें एक फ्रूटी की बड़ी वाली बॉटल भी थी, तो वो हम लोगों ने फ्रिज में रख दी। बस इतना ही सामान आज लाया है। आई होप आपको ये मेरा डीमार्ट ग्रोसरी शॉपिंग हॉल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ 2 और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एक मेरा मराठी ब्लॉग चैनल है, और एक मेरा रिव्यू चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लेना। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको वहां पर मेरे दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, और साथ में इंस्टा का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। इंस्टा पे बहुत अच्छे अच्छे पिक्स और रील्स मैंने अपलोड किए हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। आप एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको अच्छा लगे तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर देना। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उस पे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।